आप है कौन? सोनी के बारे में कैसे जानती? अरे अब क्या ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ? तुम लोग अपनी माँ को भी भूल गए बेटा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ ही मैं बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मैं अपनी माँ की शक्ल भी पहचानती हूँ, लेकिन तुम मेरी माँ जैसी नहीं दिखती। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती, मैं तुम्हें नहीं जानती। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, आप मेरी माँ नहीं। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानती। छोड़िए मुझे, आप मेरी माँ नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है। भाई मुझे छोड़ के मत जा बेटा। आप मेरी माँ नहीं है, आप जाइए यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। भाई सोनी, अभी तक तेरा खाना बना कि नहीं? आज वीर को ऑफिस में भूखा भेजना चाहती हो क्या? नहीं मम्मी जी, करीब करीब सारा खाना तैयार है। करीब करीब खाना हमारे घर में कोई नहीं खाता, जब पूरा तैयार हो जाता है ना तब खाते हैं। और सोनी जल्दी जल्दी अपना हाथ चला। सोनी मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी ढूंढ के दो। अब वो मैं आती हूँ। मैं अभी आई। चेरी पुत्र, कहीं तू ये तो नहीं ढूंढ रही? ये लीजिए, बन गया सोनी भाभी का खाना। चल पुत्र। बैठ बैठ पुत्र, खाना बस तैयार ही है। मम्मा बहुत देर हो रही है मुझे। सोनी जरा जल्दी से खाना ला, वीर को देर हो रही है। ओए खाना हमेशा चैन से खाना चाहिए पुत्र, और फिर बंदे का दिन भी चैन से बीतता है और काम भी चंगा होता है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं जी, ये तो सोनी जी की जगह है। आपकी सीट तो ये है ना जी, आइए। मैं कहाँ गया? नीट एंड क्लीन, कम प्लीज, कम है प्लीज, कम कम आइए। प्लीज सिट डाउन।
आज ये क्या काश कर रहे हो? हवा के झोंके जी, झोंके लेने वाली झोंक। व्हाट इज झोंक? मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी। झोंक एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के साथ चिपक जाती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। आई सी। मैंने कहा जी अभी कहाँ सी, अभी तो आप आगे करके सी करोगे। सुनो मेरी बात, जो जोंक होती है ना वो किसी इंसान का खून चूसती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है जी। आप मुझे जोंक कह रही है, आई डोंट माइंड टू बी जोंक जी। ओए कैसा इंसान है, इसे कुछ भी कह दो फर्क शर्क ही नहीं पड़ता। एंजी कुछ बोला? चिकड़ा कड़ा। एंजी क्या? देखा इंतजार का फल। क्या हुआ वीर? सोनी कितनी मिर्ची डाल दी तुमने? मिर्ची ज्यादा हो गई? मैंने तो उतनी डाली जितना हमेशा डालती हूँ। लो खुद खा के देखो, पता चलेगा। खाओ। पता चला? वाकई में इसमें बहुत मिर्ची है। कोई बात नहीं, मैं दो मिनट में कुछ और बना के लाती हूँ। हाँ बैड लक वीर, सो व्हाट, नया बना के कुछ ले आएगी यार। हाँ पुत्र, कभी कभी गलती से नमक मिर्च काम ज्यादा हो ही जाता है खाने में। मैं क्या जी, गलती तो इंसान से ही होती है, पर सोनी से तो आजकल कुछ ज्यादा ही गलतियां होने लग गई। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। मम्मा मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप सोनी से कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस में ही कुछ मंगवा लूंगा। ओए वीर पुत्र, बिना खाने के काम पे थोड़ी जाते हैं पुत्र, कुछ खा के जाना। मम्मा मैंने कहा ना, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे वीर कहाँ चले गए? काम पे चला गया। और कहाँ जाएगा? हाँ मेरा पुत्र आज बिना खाए पिए चला गया। ओ सोनी, तूने दिल से खाना नहीं पकाना था तो कम से कम मुझे ही कह देती, और मैं बना लेती अपने पुत्र वास्ते खाना। मुझे नहीं तो कम से कम चेरी को कह देती, वो बना लेती खाना। दुर्गा ये गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। तुम लोग अपनी माँ को भी भूल गए बेटा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे मैं तेरी माँ हूँ। आपका भाई मैं चाय। बैठो 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 बैठो, आज आपने तो खुश कर दिया। मेरे बारे में सोच रही थी ना, मेरे बारे में बोलो। हाँ
भाई। जी। क्या हुआ? क्या बात है, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? वो औरत, वो औरत फिर? ओके आई एम सॉरी, क्या हुआ उस औरत को? वो औरत आज फिर मुझे मिली थी। तू मंदिर फिर गई थी? हाँ शब, वो औरत शब, वो बार बार वही रट लगा रही थी कि वो मेरी माँ है। वो बार बार मुझे बेटी कहकर बुला रही थी, और जब जिस तरह से वो ये बात कह रही थी, तुम नहीं समझ पाओगे। वो ऐसे कह रही थी जैसे जिस तरह वो मुझे बेटी कहकर बुलाती है, दिल बैठ सा जाता। वो माही, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ तो वैसे उसकी शक्ल मिलती है क्या तुम्हारी माँ से? नहीं शब, उनकी शक्ल मेरी माँ से जरा भी नहीं मिलती। चेहरा मोहरा कुछ नहीं मिलता, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर मुझे अपनी बेटी समझ लेती है। पता नहीं। उसने अपनी बेटी को खोया होगा। शायद तुम्हारी शक्ल उसकी बेटी की शक्ल से मिलती है, या तुम्हें ऐसी कोई बात है जिससे उसे अपनी बेटी की याद आती हो। देखो तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि वो नॉर्मल है, वरना ऐसी बात करती वो। लेकिन जब तब मैं क्या करूं? बार बार वो मेरे सामने आकर, तुम बस थोड़े दिनों के लिए मंदिर जाना बंद कर दो। देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेना समझदारी वाली बात नहीं है, राइट? और अगर वो औरत दिमाग से हिली हुई नहीं है तो वो तुम्हारे वीकनेस का फायदा उठा सकती है भाई। अरे माही, वो शब, वो औरत कुछ भी हो सकती है, लेकिन धोखेबाज नहीं हो सकती। ठीक है माही, वो धोखेबाज नहीं है, लेकिन शब, सिर्फ एक बार तुम उनकी बातें सुनोगे ना, तुम्हें भी पता चल जाएगा। बस माही, बहुत हो गई बातें इस औरत की, इस बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी, तुम्हें और दुख होगा। तुम्हें सोचना है तो हमारे बारे में सोचो। थिंक अबाउट अस। चलो बताओ, आज रात का प्लान क्या है, कहाँ जाना तुम्हें? कहीं नहीं शब। ओ, ऐसा नहीं चलेगा। फिल्म देखने चले? डिनर पे? डिनर पे भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक रोमांटिक डिनर घर पे, क्या बोलते? सोनी, सोनी, वीर, वो सुबह आप बिना कुछ खाए ही चले गए, इसीलिए मैंने अभी आपके पसंद का कढ़ी चावल बनाया है। तुमने सुबह से कुछ खाया? झूठ बोलना आता नहीं है तुम्हें,
मुझे मालूम था तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं ये खाना खाऊं? तो मुझसे पहले तुम्हें खाना होगा। लेकिन वीर, चुप। आओ सुनी। सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। एक बात बोलूं सोनी, देखो खाने में नमक या मिर्च ज्यादा हो जाए तो इतना बुरा नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर जीवन साथी इतनी छोटी छोटी गलतियों पर इतनी बड़ी बड़ी माफी मांगे तो बड़ा हार्ड लगता है यार। और मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूं जो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को जिंदगी भर याद रखूं, या फिर इतना ही बुरा हूं? नहीं नहीं आप तो हाँ हाँ बोलो। आप तो क्या? हाँ बोलो ना सुनी, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ कि तुम मेरी तारीफ किस तरह कर रही हो। मैं तो बस यही कह रही थी कि सुबह मुझसे वाकई गलती हुई थी। ओहो सुनी, फिर वही बात। गलतियाँ तो सबसे होती हैं। हाँ, मुझे दिन भर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे तो अभी तक गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, गलती मुझसे हुई थी और बहुत बड़ी गलती थी। आप बिना खाए ऑफिस चले गए। सोनी मैं बोल रहा हूँ ना, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं तुम्हारा पति हूँ ना। लेकिन बस मैंने कह दिया ना, गलती मेरी थी, मतलब मेरी थी, फुल एंड फाइनल। ओके सोनी, तुम जैसी बीवी से भला कभी कोई नाराज हो सकता है? क्योंकि तुम जैसी प्यारी सी, मासूम सी, गुड़िया जैसी सोनी से मैं कभी नाराज हो ही नहीं सकता। सोनी मेरे होते हुए तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं हो सकती। तुम्ही तो मेरी सब कुछ हो सोनी, सब कुछ। वीर का इतना प्यार, इतना विश्वास, डर लगता है सच बोलकर मैं ये सब कहीं खो ना दूं। मैं क्या करूं रब्बा, मैं क्या करूं?